हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कल हमने लेसन नंबर 9, जिसका नाम है रामू एंड द मैंगोज, इसकी एक्टिविटी नंबर 1 है, वो हमने सॉल्व की थी। पूरी नहीं की थी, उसके केवल ए, बी और सी, ये तीन हमने कल सॉल्व किए थे। ए वाला ऑप्शनल क्वेश्चन था, जिसमें 4 ऑप्शन दिए थे, कोई एक है वो आपको सही लिखना था। दूसरा था उसमें क्वेश्चन आंसर थे, और जो तीसरा था सी वाला, वो था ट्रू फॉल्स। आज हम आगे की जो एक्टिविटीज हैं वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे की एक्टिविटीज को सॉल्व करना। ये सारी एक्टिविटी आपको अपने बुक के अंदर ही फिल करना है, कॉपी के अंदर आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना। सारे क्वेश्चन आपको किताब में फिल करके इनको याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके जरूर आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आगे की एक्टिविटी सॉल्व करना। तो ए, बी और सी हमने कल सॉल्व कर ली थी, आज हम डी वाला सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ है हु सेड दीज वर्ड्स टू हुम। हु यानी कौन, सेड यानी कहा, दीज वर्ड्स यानी ये शब्द, टू हुम किसे। तो हमें बताने हैं, नीचे 6 सेंटेंसेस लिखे हैं, हमें ये बताना है कि ये सेंटेंस किसने किससे कहा। तो देखो पहला सेंटेंस है इसमें, बेक 2 कप्स ऑफ कॉफी टू, यानी 2 कप कॉफी के भी बनाना, ऐसा किसने किससे कहा। तो इसका आंसर होगा मास्टर टू रामू, यानी ऐसा मास्टर ने रामू से कहा था, जो मालिक है उसने अपने सर्वेंट से ऐसा कहा था। इसके बाद आता है नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है द नाइफ इज ब्लंट। ब्लंट यानी जिसमें धार नहीं होती, जो नाइफ है, जो चाकू, वो ब्लंट है, ऐसा किसने किससे कहा। तो इसका होगा रामू टू मास्टर, यानी ऐसा रामू ने अपने मास्टर से कहा। फिर है नंबर 3, आई पुट ऑन ही चप्पल्स बाय मिस्टेक, यानी मैंने उनकी चप्पल है वो गलती से पहन ली, ऐसा किसने किससे कहा। तो इसका आंसर होगा द फ्रेंड टू रामू, यानी ऐसा उस फ्रेंड ने रामू से कहा था। तो बस ये लिखना है उसका नाम और किसे कहा, वो 2 के बाद में लिखना है। पीडीएफ के साथ में आपको ये मिल जाएगा, जिसे को देख के आपको इसे अपनी किताब के अंदर भरना है। फिर आता है नंबर 4, स्टॉप स्टॉप, ये किसने किससे कहा। तो इसमें होगा मास्टर टू हिज फ्रेंड, यानी ऐसा मास्टर ने अपने फ्रेंड से कहा। फिर है नंबर 5, ही वॉन्ट्स टू कट ऑफ योर ईयर्स। ही वॉन्ट्स, वो चाहते हैं, टू कट ऑफ योर ईयर्स, आपके कान काटना, ऐसा किसने किससे कहा। तो इसमें होगा ऐसा रामू ने मास्टर के फ्रेंड से कहा। तो इसमें हम भरेंगे रामू टू मास्टर्स फ्रेंड या रामू टू फ्रेंड, इतना हम इसके अंदर भरेंगे। इसके बाद आता है सबसे लास्ट वाला, जिसका नंबर है नंबर 6, कीप वन ऑफ देम इफ यू लाइक बट लेट मी हैव द अदर वन। कीप वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक रख लो, इफ यू लाइक, यदि तुम पसंद करते हो, तुम्हें पसंद आए, बट लेकिन लेट मी हैव द अदर वन, लेकिन एक है वो मेरे पास रहने दो, ऐसा किसने किससे कहा। तो इसमें होगा मास्टर टू हिज फ्रेंड, यानी ऐसा मास्टर ने अपने फ्रेंड से तब कहा था जब मास्टर उसके पीछे दौड़ रहा था। तो ये हमें ऐसा ही किताब के अंदर भरना है। ई वाला आपको खुद ही करना है, जो ई वाला है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी आपको नीचे 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है। करना कैसे है, आपको किताब में जब लेसन है, लेसन के अंदर आपको ये लाइन ढूंढनी है कि कहाँ लिखी हुई है। जैसे नंबर 1 में लिखी हुई है ही पुट वन मोर, इतना इसमें लिखा हुआ है। अब आगे की जो लाइन है वो आपको कंप्लीट करनी है। करनी कैसे है, आपको लेसन एक बार फिर से पढ़ना है, ही पुट वन मोर, ये लाइन आपको ढूंढनी है कि लेसन में कहाँ लिखी हुई है। और जहाँ पे ये लाइन शुरू होती है, जहाँ मान लीजिए ही पुट वन मोर से शुरू होकर जहाँ पर फुल स्टॉप लगता है, वहाँ तक आपको ये पूरी लाइन इस खाली जगह के अंदर लिखना है। जैसे किताब में ही पुट वन मोर पीस इंटू हिज माउथ एंड देन अदर वन वन और, तो ये ऐसे करके 5 आपको किताब के अंदर ये लाइन ढूंढनी है, और जहाँ फुल स्टॉप लगता है वहां तक आपको ये पूरी लाइन इसी किताब के अंदर भरनी है। क्वेश्चन आपको खुद ही करना है। अब आती है बारी एक्टिविटी नंबर 2 की, जो आपको दिखाई दे रहा है ए वाला, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर ऑपोजिट्स इन कॉलम बी। बहुत इजी है, ए के अंदर कुछ ऑपोजिट्स लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनके ऑपोजिट यानी उनके विलोम शब्द बी वाले में लिखे हुए, लेकिन ऊपर नीचे लिखे हुए, हमें उनको आपस में मिलाने हैं। तो देखो ए में सबसे ऊपर लिखा हुआ है शार्प, एस एच ए आर पी शार्प, तो शार्प का उल्टा होता है ब्लंट।
की स्पेलिंग है BLUNT, तो शार्प को आपको ब्लंट से मिलाना है। इसके बाद आता है सौर, SOUR, सौर यानी जिसका मतलब होता है खट्टा, तो इसका ऑपोजिट होगा स्वीट, स्वीट यानी मीठा, तो सौर को हमें स्वीट से मिला देना है। इसके बाद दिया हुआ है गेव, GAVE, गेव का होता है दिया, इसका हमें मिलाना है टुक से, TOOK, टुक यानी लिया, तो ऐसे हमें मिलाने हैं। इसके बाद आता है FRIEND, फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब होता है मित्र, मित्र का उल्टा होता है एनिमी, एनिमी का मतलब शत्रु, ENEMY, तो ये हमें फ्रेंड का एनिमी से मिला देना है। उसके बाद बारी आती है FIGHT, फाइट, फाइट का मतलब होता है लड़ाई, इसका ऑपोजिट होगा PEACE, पीस, पीस यानी शांति, तो फाइट का हमें पीस से मिला देना है। उसके बाद में है SMALL, स्मॉल, तो ये तो आपको पता ही है, स्मॉल का ऑपोजिट होगा BIG, बिग, स्मॉल का ऑपोजिट होता है बिग, तो हमें इससे मिला देना है। उसके बाद है ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, हमेशा का ऑपोजिट हिंदी में होता है कभी नहीं और इंग्लिश में होता है NEVER, नेवर, तो ऑलवेज का हमें नेवर से मैच करना है। और सबसे लास्ट में है FULL, फुल, तो फुल का होगा फुल यानी भरा हुआ, इसका ऑपोजिट होगा सबसे ऊपर लिखा हुआ है एम्प्टी, EMPTY, तो फुल का हो जाएगा एम्प्टी, एम्प्टी यानी खाली। तो इस तरह हमें ये एक दूसरे से मिलान करने हैं, एग्जाम में आपके इसके ऑपोजिट और मिलाने वाला भी आता है, तो आपको ये क्वेश्चन किताब में भर के इसको अच्छे से याद करना है। उसके बाद है बी वाला, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी चूज यानी चुनना, आपको इस बॉक्स में से एक वर्ड चुन के नीचे जो खाली जगह दी हुई है 6, इनके अंदर आपको वो खाली जगह के अंदर भरने हैं, ये भी आपको किताब के अंदर ही करना है। तो सबसे पहला है आई पुट ऑन माई फ्रेंड चप्पल बाय मिस्टेक, MISTAKE, इसमें मिस्टेक भरेंगे, यानी मैंने अपने फ्रेंड की चप्पल गलती से पहन ली। दूसरा है ही शार्पन द नाइफ, यानी उसने चाकू को घिसकर तीखा किया। फिर आता है नंबर 3, द थीव एंटर्ड द हाउस क्वाइटली, यानी चोर है वो घर में क्वाइटली यानी शांति से घुसा। उसके बाद नंबर 4, सीइंग द पुलिस द मैन रैन अवे एट टॉप स्पीड, यानी पुलिस को देखते ही जो मैन यानी आदमी है वो दौड़ गया टॉप स्पीड यानी तेज गति से। इसके बाद आता है नंबर 5, शी स्क्रीम्ड इन, स्क्रीम्ड यानी चिल्लाई, इन टेरर, TERROR, टेरर का मतलब होता है भय, यानी वो डर के मारे चिल्लाई। तो इस तरह हमें ये भरना है, किताब के अंदर ही ये क्वेश्चन आपको करना है। फिर आता है नंबर 6, जो कि सबसे लास्ट वाला भी है, ही रैन सो फास्ट दैट नो वन कुड कैच हिम, यानी वो इतना तेज दौड़ा कि कोई उसको पकड़ नहीं सका, CATCH, कैच, कैच का मतलब होता है पकड़ना। तो हमें ये एक एक करके खाली जगह के अंदर भर देना है, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी आपके जरूर आता है। अब आगे वाली एक्टिविटी सी वाला है ये, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर सिमिलर मीनिंग्स इन कॉलम बी, यानी कॉलम ए के अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनका सेम यानी सिमिलर वर्ड होते हैं हिंदी में, जिनका अर्थ समान हो, जैसे हाउस और होम, उसका एक ही मतलब होता है घर, ब्लैक और डार्क, इसका एक ही मतलब होता है अंधेरा या काला, ऐसे ही हैप्पी, गे, एक ही मतलब होता है खुश होना। तो ऐसे ही हमें ए और बी में ऐसे वर्ड को मैच करना है जिनका अर्थ सेम हो। तो इसके अंदर पहला है अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत होना, डर जाना, तो इसका हम मिलाएंगे बी के अंदर फ्राइटन्ड, FRIGHTENED, जिसका मतलब भी होता है डर गया, अफ्रेड और फ्राइटन्ड एक ही मतलब होता है डर गया या भयभीत हो गया, तो इन दोनों को आपस में मिला देना है। उसके बाद है डिसअपीयर्ड, इसमें स्पेलिंग है वो गलत दी हुई है, एक पी है वो एक्स्ट्रा है, इसकी स्पेलिंग होती है DISAPPEARED, डिसअपीयर्ड, जिसका मतलब होता है गायब हो गया, ये मिलेगा वैनिश्ड, वैनिश्ड का मतलब भी होता है गायब हो गया, तो डिसअपीयर्ड और वैनिश्ड एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो क्योंकि दोनों ही सिमिलर वर्ड है, दोनों का ही अर्थ समान है। इसके बाद है आंसवर्ड, आंसवर्ड का मतलब होता है उत्तर दिया, जवाब दिया, इसका मैच होगा रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब भी उत्तर दिया, जवाब दिया, तो ये तो एक दूसरे के सामने ही लिखे हुए हैं, तो उन्हें आपको मिला देना है। उसके बाद है क्राइड लाउडली, यानी जोर से चिल्लाया, ये लिखा हुआ है, तो इसका हम मैच करेंगे बी वाले के ऊपर जो लिखा है उससे, शाउटेड,
शाउटेड का मतलब भी होता है चिल्लाया और क्राइड लाउडली का मतलब भी चिल्लाया, दोनों का ही सेम अर्थ होता है। अब आता है सरप्राइज यानी आश्चर्य, और इसका मिलेगा इसके सामने वाले से ही WONDER वंडर से। इसके बाद सबसे नीचे वाला है रैन फास्ट यानी तेजी से दौड़ जाना, ये मिलेगा रश्ड, इसका मतलब भी तेजी से दौड़ना है, तेजी से निकल जाना होता है। तो इस तरह हमें ये एक दूसरे से मिला देना है। उसके बाद आता है डी वाला, राइट वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी नीचे कुछ सही सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, हमें एक वर्ड के अंदर इनका उत्तर देना है। हमने पहले भी किए हैं और ये आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, तो आपको इन्हें याद भी करना है। तो चलिए हम सबसे पहले करते हैं फर्स्ट वाला सॉल्व। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विथ विच वन हियर्स, यानी हमारे बॉडी का वो पार्ट जिससे हम सुनते हैं। ई से उसको क्या बोलते हैं? ई से उसको बोलते हैं ईयर, ई ए आर, ईयर यानी कान। इसके बाद है नंबर टू, इंस्ट्रूमेंट टू कट अ थिंग, यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा उपकरण जिससे हम कुछ कट करते हैं। के से उसको बोलते हैं नाइफ, के एन आई एफ ई नाइफ, तो इसमें हमें नाइफ बढ़ना है। फिर है नंबर थ्री, एन एक्ट ऑफ क्वारलिंग विथ समवन, यानी किसी के साथ बहस करना, जोर से बोलना, लड़ना, इसको एफ से क्या बोलते हैं? इसको एफ से बोलते हैं फाइट, एफ आई जी एच टी फाइट, तो इसमें हमें फाइट भरना है। उसके बाद आता है नंबर फोर, ए मैन एम्प्लॉयड टू वर्क फॉर ए मास्टर, यानी एक आदमी जो अपने मास्टर के लिए, अपने मालिक के यहाँ काम करता है, उसे ऐसे क्या बोलते हैं? उसको ऐसे सर्वेंट, एस ई आर वी ए एन टी सर्वेंट बोलता है। और अगर कोई लेडी, कोई लड़की या कोई महिला काम करे तो उसको मैड बोलते हैं। आदमी को सर्वेंट, हम लड़की को सर्वेंट नहीं बोल सकते, वो मैड होती है। इसके बाद नंबर फाइव, द रूम इन ए हाउस फॉर कुकिंग फूड, यानी हमारे घर का वो कमरा जिसमें हम खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं, तो उसको हम के से बोलते हैं किचन, के आई टी सी एच ई एन किचन। इसके बाद नंबर सिक्स, ए स्वीट जूसी फ्रूट, एक मीठा रसीला फल, तो उसको हम बोलते हैं एम से मैंगो, एम ए एन जी ओ मैंगो। तो आज हम यहीं तक ही ये पार्ट है वो सॉल्व करेंगे, आगे की जो एक्टिविटीज हैं वो आपके इंग्लिश सेकंड के बुक में आपको सॉल्व करने के लिए मिल जाएगी। तो इस लेसन की हम इतनी एक्टिविटी जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, हम केवल यही सॉल्व करेंगे। थैंक यू।